मैमो गेट स्कैंडल के मरकजी किरदार मंसूर एजाज को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीजा जारी कर दिया। मंसूर एजाज को 24 जनवरी मैमो तहकीकती कमीशन के सामने पेश होना है। कभी तोहीन अदालत की और ना ही अदलिया की तजवीज का सोचा। सदर बना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए खत नहीं लिखा। वजीर आजम का सुप्रीम कोर्ट में बयान। एतजाज एसएम की मोहलत मांगने पर एनआरओ अमल दरामद केस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। आसिफ जरदारी को बहसियत सदर इस्तिस्ना हासिल है। फौजदारी कार्रवाई में वजीर आजम को भी तहफ्फुज हासिल है। एतजाज एसएम के दलाए। वजीर आजम के अदालत में पेश होने और एतजाज एसएम के दलाइल के बाद मुल्क में आईनी और कानूनी माहरीन के दरमियान नई जंग का आगाज। नित नए सवाल उठने लगे, ऊंट अब किस करवट बैठेगा। सदर जरदारी की सरबराही में इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, तहां उन्होंने वतन आने का फैसला भी मौखर नहीं किया। लाहौर में खानदान अपने साथ प्यारों के कत्ल हो जाने के बाद इंसाफ का मुंतजर। पुलिस का रिवायती बेहिसी का मुजाहरा। और दुबई टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दी। 10 विकेट हासिल करने वाले सईद अजमल मैन ऑफ द मैच करार पाए।